यूथ कांग्रेस ने सोलन में सांसद का पुतला जलाया और उसकी तपिश भारतीय जनता युवा मोर्चा तक भी पहुंची और आज भाजुमो के जिला अध्यक्ष भर साहनी ने यूथ कांग्रेस की शव यात्रा और उनके प्रदर्शन को गलत ठहराया और कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं और वह पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजुमो के जिला अध्यक्ष भर साहनी ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को सलाह देते हुए कहा कि कई वर्षों तक कांग्रेस के नेता सांसद रहे, लेकिन उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कोई योगदान नहीं दिया। इसीलिए अगर ये पुतला फूंकना चाहते हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वह पूर्व में रहे अपने सांसदों का पुतला फूंके। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप के कार्यकाल में विकास की गाथा लिखी, लेकिन कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के अलावा हिमाचल की जनता को कुछ नहीं दिया। मैं बोलना चाहता हूं यूथ कांग्रेस को कि वह अपने लीडरों के पुतले जलाएं। जो पूर्व में 10 साल, मैं पूछना चाहूंगा, जिन्होंने शासन किया पूरे राष्ट्रभर के अंदर, 5 साल पूर्व पहले जो उन्होंने प्रदेश के अंदर शासन किया, उनके लीडरों यहां पर डेवलपमेंट को बैकफुट पे लेकर के प्रदेश के अंदर IMM हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कें हो, चाहे IT पार्क हो, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 1900 करोड़ रुपए अभी जो टूरिज्म के लिए दिए गए, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। इतनी सारी योजनाओं के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं उनके वरिष्ठ लीडर लगे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके भी पूर्व में लोग रहे, MP रहे, सुल्तानपुरी जी रहे, शांडिल जी रहे, उन्होंने क्या किया? आप ये बताइए, आप उनका जवाब दीजिए, उनके पुतले फूकिए। भ्रष्टाचार के अलावा पूर्व की कांग्रेस सरकार, UPA सरकार ने किया क्या है?